यूरोप और खलीज की तरह स्पेन भर में भी नमाजी ईद उल अज़हा के बड़े बड़े इज्तमात हुए। नुमाइंदा एबीएन न्यूज़ स्पेन इस वक्त बार्सिलोना के रवाही इलाके बादल अनूना में मस्जिद फैजान मदीना में नमाजी ईद उल अज़हा के मौके पर मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जी बिल्कुल, आज खलीज में और यूरोप और दीगर ममालिक में नमाज ईद उज़्ज़हा की जो तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, नमाज ईद हो रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूं स्पेन के शहर बादालोना में। यहां पे दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम अभी मस्जिद में नमाज ईद हो रही है और यहां पे दीगर शहरों में भी मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ जो रहती हैं, मोरक्को के लोग रहते हैं और मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ हैं, वो अपनी अपनी मस्जिदों में और खुले आसमानों तले भी नमाज ईद अदा कर रही है। चूँकि मैं इस वक्त बादालोना में मौजूद हूँ, यहाँ मस्जिद में नमाज ईद हो रही है और यहाँ पे लोग अल्लाह अकबर का विरद करते हुए यहाँ पे पहुँच रहे हैं और लोग बड़े खुश हैं। अभी लोग नमाज ईद के बाद एक दूसरे के साथ गले मिल रहे हैं, एक दूसरे को ईद मुबारक कह रहे हैं। मौलाना साहब ने इमाम मस्जिद हैं, उन्होंने अपने खिताब में ये कहा है कि इस ईद पे भी जो लोग कुर्बानी नहीं दे सके उनका ख़ास ख्याल रखना चाहिए। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि कुर्बानी का भी गोश्त जो है उस तरह तो पाकिस्तान की तरह तो कुर्बानी सरेआम नहीं होती, लेकिन यहाँ पे आप बुकिंग करवा के गोश्त जो है वो ले सकते हैं, कुर्बानी दी जा सकती है। तो आज ईद उज़्ज़हा जो बड़ी ईद है, गोश्त की ईद है, तो दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम बादालोना में अभी नमाज ईद जो है वो पढ़ी जा रही है।